हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द 7 सीक्रेट्स ऑफ टॉप 1% फ्रीलांसर्स। ऐसी कौन सी वो 7 चीजें हैं जिनसे फ्रीलांसर्स एक्चुअल में लाखों रुपए कमाते हैं, और बहुत से ऐसे मिथ्स हैं कि फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कमाई है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों की, मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ, या फिर एक तरफ से ऐसे लोग हैं जिनको लगते हैं फ्रीलांसिंग में करियर ही नहीं है। तो आई विल टेल यू द ट्रुथ कि जो टॉप 1% फ्रीलांसर्स हैं वो ही एक्चुअल में लाखों रुपए कमा रहे हैं। एंड दिस इज द हार्ड रियलिटी कि हर एक फ्रीलांसर लाखों रुपए नहीं कमाता। जो आपको यूट्यूब के ऊपर दिखाया जाता है ग्लैमर, वो हर एक फ्रीलांसर के साथ में नहीं है। बहुत से फ्रीलांसर जो लो इनकम के ऊपर भी सफर कर रहे हैं। बट आप एक लो इनकम फ्रीलांसर से कैसे एक हाई इनकम फ्रीलांसर बन सकते हो, अपना खुद का एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, उसके अंदर कुछ एक चीजें हैं जो लैक कर रही है अभी आपके अंदर, वो ही मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि मैं खुद एक लो इनकम फ्रीलांसर से हाई इनकम फ्रीलांसर देन एजेंसी ओनर तक ट्रांसफॉर्म हुआ हूं। मैं अभी आज बहुत सारे हाई टिकट फ्रीलांसर्स, हाई टिकट क्लाइंट्स के साथ में काम करता हूं, तो मेरे को पता है जो टॉप फ्रीलांसर से उनका क्या बिहेवियर होता है, क्या एटीट्यूड होता है, क्या माइंडसेट होता है। तो वही चीजें आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरीके के अमेजिंग कंटेंट के लिए, और इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए बिकॉज देयर इज सरप्राइज फॉर यू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो द फर्स्ट थिंग अबाउट टॉप 1% फ्रीलांसर्स इज क्लैरिटी। मतलब उनको पता होता है कि हमको कौन से क्लाइंट्स के साथ में काम करना है, उनके गोल्स डिफाइंड होते हैं। अभी क्या होता है, आज के टाइम में मेरे को बहुत सारे फ्रीलांसर रीच आउट करते हैं, वो रैंडमली उनका स्किल सेट मेरी कंपनी की विजन से मैच ही नहीं करता। लाइक दे आर इन टू वेब डेवलपमेंट, और मेरी कंपनी के अंदर वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज इतनी ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, हम किसी किसी क्लाइंट्स के लिए दे देते हैं, बाकी हमारा मेन पर्पज है वीडियो एडिटिंग का। तो उन्होंने कंपनी के बारे में रिसर्च ही नहीं की और सीधा रीच आउट कर दिया। तो ऐसे बहुत से फ्रीलांसर जो रैंडमली किसी भी क्लाइंट को रीच आउट कर रहे हैं, तो उनको पता होता है जो एकदम टॉप 1% फ्रीलांसर्स है, दे नो कि हमारा स्किल सेट ये है, हम इसके अंदर एक्सपर्ट है। अगर वो वीडियो एडिटर है ना, तो उनको ये पता है कि हम मोशन ग्राफिक्स की वीडियोस को बहुत अच्छे से एडिट कर सकते हैं, हम फाइनेंस के नीड्स की जो वीडियो उनको अच्छे से एडिट कर सकते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट के अंदर एक्सपर्ट है। तो फिर वो शॉर्ट फॉर्म कंपनीज है या फिर शॉर्ट फॉर्म एजेंसीज है, उन्हीं को रीच आउट करेंगे, या फिर ऐसे क्लाइंट्स को, ऐसे क्रिएटर्स को रीच आउट करेंगे जो शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट बना रहे हैं और उनको फील होता है कि इनको ये हेल्प कर सकते हैं। उनको हर चीज की क्लैरिटी, उनको ये पता है कि मेरे को मंथली इतने टारगेट हिट करने, मेरा रेवेन्यू टारगेट इस महीने का 25,000 रुपए, तो मैं 25,000 रुपए जितने क्लाइंट्स अगर मैं ले लेता हूं तो फिर मैं और क्लाइंट्स नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी ग्रोथ रुक जाएगी, मैं अप स्किलिंग नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास में जो टाइम बच रहा है उसके अंदर मैं अप स्किल करूंगा। तो वो अपने टारगेट क्लाइंट के बारे में, अपनी स्किल के बारे में और अपने रेवेन्यू के बारे में, हर चीज के बारे में क्लियर होते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज दे आर मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन। उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा सॉलिड होती है। अगर वो किसी को कोल्ड डीएम भेज रहे हैं तो उनका कोल्ड डीएम के अंदर दिखता है कि किस तरीके से, कितना प्रोफेशनली उसने लिखा है। केवल चैट जीपीटी का यूज करके वो कोल्ड डीएम पूरा कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं आजकल, वो पूरा प्रॉपर रिसर्च करते हैं कंपनी के बारे में, क्रिएटर के बारे में, उसके बाद में उसके कोल्ड डीएम में कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं होगी। अगर वो किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड होती है, ऐसा लगता है कि बंदा इस चीज का बहुत अच्छा एक्सपर्ट है, दे हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस। और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का फायदा यह है कि आप अपने क्लाइंट्स को काफी टाइम तक रिटेन कर पाओगे। अगर आपकी गलती हो गई कोई चीज के अंदर, आपका डिले हो गया कोई रीजन से, तो आपका अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो आप फटाफट उस क्लाइंट को सच्चाई इन्फॉर्म कर दोगे एक अच्छे तरीके से, जिससे आपका क्लाइंट परेशान भी नहीं होगा और उसको फील होगा कि यार बंदा कितना ज्यादा प्रोफेशनल है। तो कम्युनिकेशन स्किल इज अ मस्ट। अगर आप मान लो 9 to 5 जॉब के लिए भी देख रहे हो फ्रीलांसिंग की जगह, तो भी आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और हाई टिकट फ्रीलांसर्स की सबसे बड़ी खासियत है कि उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। वो अगर किसी क्लाइंट के साथ में वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो साथ में उस क्लाइंट को वो ज्ञान भी देंगे कि यार आप इस तरीके से करो, शूट के अंदर थोड़ा सा ये ट्राई करना। तो अगर उसके पास में कुछ देने को है ना, तो वैल्यू एड करेगा सामने वाले क्लाइंट के अंदर, तो क्लाइंट को फील होगा कि यार बंदा बहुत जेन्यून है, बहुत हेल्पफुल है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड द थर्ड थिंग इज दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट अबाउट देयर वर्क। मतलब उनका एथिक्स डिफाइंड है कि मेरे को ये काम इस तरीके से करना है। इन केस अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, फिर कोई प्रोजेक्ट उसकी डेडलाइन हिट नहीं कर पा रहा है, तो वो ऑनेस्टी के साथ में विथ टाइम क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देते हैं, या फिर उनको ये पता है कि मेरे को ये काम अच्छे से मैं नहीं कर पाऊंगा, पर वो केवल कुछ पैसों के लिए उस काम को, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, दे हैव एबिलिटी टू से नो। वो मना कर देंगे यार ये काम मेरे बस का नहीं है, तो क्लाइंट क्या होगा, आपके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहेगा, उसको पता भी चल जाएगा ये बंदा इस चीज का एक्सपर्ट तो केवल यही काम ले रहा है, केवल पैसों के लिए, कुछ भी काम के लिए ये हानि भर रहा है। तो आप अपनी स्किल के साथ में बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होने जरूरी हो, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को यही आता है और मैं इसके अंदर एक्सपर्ट हूं, तो इसका काम मैं अच्छे से कर सकता हूं। एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है और हर एक क्लाइंट को पसंद है, कि आप अपने काम को लेकर अकाउंटेबल हो। अब मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स को पता ही नहीं होता कि उनका फ्रीलांसिंग उनका एक प्रोफेशन है, ये कोई ये नहीं है कि आपका जब मन करेगा तब आप काम करोगे, जैसा अपन को सोशल मीडिया
डेटा पे दिखाया जाता है, जब अपनी मर्जी से सारी चीजें करोगे वैसा इसमें पॉसिबल नहीं है। आप अगर डेडलाइंस को हिट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप प्रोजेक्ट्स को टाइमली क्वालिटी के साथ में डिलीवर नहीं कर रहे हो, तो क्लाइंट्स आपके पास नहीं रहेंगे। इट इज इवन मोर स्केरी देन 9 to 5 अगर आप अकाउंटेबल नहीं हो। तो अकाउंटेबल होने का सेंस ये है कि यू टेक चार्ज ऑफ थिंग्स। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट डेलीगेट कर दिया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मैं हाँ इसको कर लूंगा, तो अब वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको फिनिश करते हो। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस। आप ये नहीं कि आप कॉल्स मतलब अपना फोन स्विच ऑफ कर रहे हो या फिर आपका नेट ऑफ हो रहा है और मान लो आपको कोई ब्रेक चाहिए या फिर कोई अर्जेंट रीजंस हो गए और आप इन्फॉर्म ही नहीं करो और क्लाइंट आपको कॉल पे कॉल करे जा रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करे जा रहा है, आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं है वहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्लाइंट का जो ट्रस्ट है, जो आपके साथ में ऑथेंटिसिटी है, वो एकदम खत्म हो जाती है। तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है या फिर आप किसी क्लाइंट के साथ में काम कर रहे हो या फिर किसी एजेंसी के साथ में काम कर रहे हो, यू मस्ट बी अकाउंटेबल। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये मेरे साथ में रिसेंट में एग्जांपल भी हो रखा है। फिफ्थ पॉइंट के अंदर है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। मतलब अगर आप एक फ्रीलांसर हो और आपने देख लिया कि यूट्यूब के ऊपर ये भैया तो एक वीडियो का 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं और आपने किसी क्लाइंट को पिच किया और आपको पता ही नहीं उस वीडियो का क्या लेवल है, किस लेवल का उसके अंदर आप एडिट दे रहे हो, आपका क्या एफर्ट जा रहा है उसके अंदर, और आपने रैंडमली बोल दिया हाँ मैं भी इसके 70,000 रुपए चार्ज करूंगा, तो वो क्लाइंट आपका जोक बना के वहां से मूव ऑन कर देगा, आपको रिप्लाई तक नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसा रिसेंटली हमारे साथ हुआ था कि लाइक वी वर हायरिंग फॉर आवर एजेंसी, तो कुछ लोगों ने अप्लाई किया। तो जनरली हमारे 3-step प्रोसेस होता है हायरिंग के अंदर। तो पहले प्रोसेस के अंदर हम एक असाइनमेंट करवाते हैं। असाइनमेंट इज अ बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट जिससे पता चलता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी या फिर किस लेवल के एडिट्स आप कर सकते हो। तो एक बंदे ने बोला कि मैं तो असाइनमेंट करने के भी है ना 5,000 रुपये लूंगा। What? एंड दैट वॉज असाइनमेंट ऑफ अराउंड 30 seconds का आपको कुछ एडिट करना है। तो मतलब लोग यहाँ पे डेडिकेटेड ही नहीं है अपने काम के लिए, उनको काम मिल नहीं रहा है, वो अप्लाई कर रहे हैं, पर अप्लाई करने के बाद में उन्होंने यूट्यूब पे इतना देख लिया कि फ्रीलांसिंग की दुनिया बहुत ज़्यादा ग्लैमरस है, लाखों रुपये बरस रहे हैं, जैसे कोई क्लाइंट्स आपको आए जैसे पैसे दे रहे हैं, तो उनके माइंड में ये आ गया कि मैं तो कुछ भी बोलूंगा लोग मेरे से काम करवा लेंगे, और वो वहीं स्टक रह जाते, कभी ग्रो नहीं कर पाते। एंड द सिक्स्थ थिंग इज दैट कि अगर आप एक हाई टिकट फ्रीलांसर बनना चाहते हो तो आप 9 to 5 वाले बंदे से भी ज्यादा डिसिप्लिन होने जरूरी हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब मर्जी करोगे तब आपका काम हो रहा है। ये लेवल बहुत टाइम के बाद में आता है, जब आपका बिजनेस पूरा ऑटोमेशन में चला जाता है, और उसके लिए आपको कम से कम 2-3 साल का अच्छा एफर्ट मारना पड़ेगा, तब जाके आप उस लेवल में आओगे जैसे आप एड्स देखते हो यूट्यूब वगैरह पे कि मेरा बिजनेस पूरा ऑटोमेशन के अंदर चल रहा है। तो वो लेवल बहुत बाद में आता है। इनिशियल फेज के अंदर आप उस जर्नी को जब स्टार्ट करो, फिर आप टॉप 1% के लेवल में पहुंच रहे हो, तो आप एक 9 to 5 एम्प्लॉय से भी 5x ज्यादा डिसिप्लिन होने जरूरी हो, आपका जो वर्किंग आवर्स है उनसे भी बहुत ज्यादा हो। सो बेसिकली अगर आप एक जॉब को या फिर आपका जो भी माइंडसेट है उस चीज को एस्केप करना चाहते हो, खुद का बिजनेस या फिर खुद का फ्रीलांसिंग इनकम अच्छा करना चाहते हो, तो आपको उस मैट्रिक से भी निकलना पड़ेगा कि आपको कुछ फिक्स आवर्स ही काम करना है, आपको चिल करना है। आपको हर टाइम आपके दिमाग के अंदर आपकी इनकम, आपकी स्किल्स, आपके क्लाइंट्स, वो डेडिकेशन स्टार्टिंग के 1-2 साल रहना चाहिए, तब जाके आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे जब आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी होगा, आपका बिजनेस भी अच्छा चल रहा होगा। स्टार्टिंग से वो चीजें पॉसिबल नहीं है, और अगर आपको कोई ऐसा बता रहा है तो आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। एंड नाउ द 7th थिंग इज दैट अगर वो आपके दिमाग में नहीं है तो आप कभी भी लो इनकम से हाई इनकम तक पहुंच ही नहीं पाओगे। दैट इज योर माइंडसेट शुड बी इन ग्रोथ। जिस बंदे ने इनकम 5x करनी है, जिसको इनकम इंक्रीज करनी है, तो उसको कॉन्स्टेंटली ग्रोथ में रहना पड़ेगा, उसकी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। लाइक अभी AI चल रहा है तो उसको नॉलेज होना चाहिए कि AI प्लगइन्स का यूज करके, AI का यूज करके मैं और बेटर कैसे कर सकता हूं मेरी स्किल को। तो अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ग्रोथ माइंडसेट में रहोगे तभी आपकी इनकम इंक्रीज होगी, नहीं तो आप जिस अभी स्टेट में हो, जिस इनकम लेवल पे हो, वैसे ही रहोगे, कोई भी चांसेस नहीं इंक्रीज होने का। क्योंकि यहाँ पे कोई अपन गवर्नमेंट जॉब में नहीं बैठे कि हर 5 या 10 साल के अंदर आपको छोटा सा इंक्रीमेंट मिल जाएगा, या फिर आप कोई कंपनी के अंदर जॉब नहीं करे कि आपकी परफॉर्मेंस अगर ठीक ठाक चले तो आपको इंक्रीमेंट जैसे कंपनी का स्ट्रक्चर तो उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। आपको यहाँ पे खुद के ऊपर है, आप अगर काम ढंग से नहीं करोगे जो क्लाइंट वो छोड़ के भी चला जाएगा, या फिर जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट वो आपको पैसे एक्स्ट्रा नहीं देगा। तो बेसिकली ग्रोथ माइंडसेट होना जरूरी है, अपस्किलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दीज वर द 7 सीक्रेट्स ऑफ टॉप 1% फ्रीलांसर जो मैं खुद फॉलो करता हूं और मेरे साथ में जो काम कर रहे हैं उनको मैंने ऑब्जर्व किया है, और ऐसे बहुत से लोग जो ऐसी गलतियां करते हैं मैंने वो भी आपको बताया। तो होप आपको इस पूरी वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी, और अगर अब आप एंड तक बने हो तो हियर्स अ सरप्राइज फॉर यू कि आपको इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट करना है कि इन 7 चीजों में से आपके अंदर कौन सी 2-3 चीजें हैं जो लैक कर रही थी, जो आप अभी तक फॉलो नहीं कर रहे थे और अब आप उनके ऊपर काम करोगे। आप कौन से फील्ड के अंदर फ्रीलांसर, लाइक आप वीडियो एडिटर हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, या फिर ग्राफिक डिजाइनर तो बेसिकली आप थंबनेल बनाते हो या फिर क्या करते हो, या फिर आप कॉपी राइटर हो, या फिर आप कॉन्टेंट राइटर हो, जो भी हो, तो आपका स्किल सेट क्या है, आप कौन सी स्किल्स को लैक करते थे,
और इस वीडियो से आपको क्या वैल्यू मिली उसको एक लाइन में कंक्लूड करना है। तो बेसिकली आपको कमेंट इस तरीके से करना है इस वीडियो के नीचे, और इस वीडियो के ऊपर 50 कमेंट्स होने के बाद में उनमें से कोई भी एक बेस्ट कमेंट को ये बुक 0 to 1 जो स्टार्टअप्स के ऊपर है जो मैंने पूरी पढ़ी, और इसके अंदर बेसिकली मैं यही बुक आपके घर पे पहुंचाऊंगा जिसके अंदर मैंने मार्क की हुई काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग। तो ये बुक और एक टी शर्ट आपके घर पर डिलीवर होगी 50 कमेंट्स होने के बाद में कोई भी एक बेस्ट कमेंट के लिए। तो अभी फटाफट जाकर इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, अगर इस चैनल के ऊपर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्द ही बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और आने वाला है, इसलिए चैनल पे बने रहना। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।